चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, जो है बीमारी से रिलेटेड। देखिए, हमारे अभी इतनी अवेयरनेस दुनिया में सभी को हो चुकी है, सभी ये जान चुके हैं कि जो बीमारी होती है ये हमारे इमोशंस से आती है। जहाँ हमारे इमोशंस में गड़बड़ पैदा हुई, वहाँ हमारी बीमारी हमें इनवाइट करती है। आ जाओ, अब मैं तैयार हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, हम अपने इमोशंस पे हमेशा अलर्ट रहना है। कहीं हमारे इमोशंस में कोई चिंता, कोई किसी तरह की परेशानी, कोई ऐसी दिक्कत, या हम कोई सीवियर चिंता तो नहीं कर रहे? क्योंकि जब सीवियर चिंता होती है तो 100% हमारी हेल्थ ख़राब होनी ही होनी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आपको हमेशा अपने थॉट्स का ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है। दूसरा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इन तीनों हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसीलिए हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोग क्या करते हैं कि पाठ पूजा बहुत करते हैं। जो लोग पाठ पूजा ज़्यादा करते हैं, धर्म कर्म में रहते हैं ना, उनका लाइफ का एक हिस्सा जो होता है वो उनकी मेंटल हेल्थ को ग्रोथ करता है, उनकी मेंटल हेल्थ को विकास करता है एक तरह से। जब मेंटल हेल्थ का विकास होगा तो आपको क्या होगा, रब पे भरोसा होगा, एक तरह का आपको सहारा मिल गया कि भाई इस शक्ति के पास हम जाएंगे, ये शक्ति हमें ज़रूर संभाल लेगी। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करती हैं। फिजिकल हेल्थ को आप खाने पीने से ठीक कर सकते हैं। आप अच्छा खाइए, जैविक जो दवाइयों वाले केमिकल्स, जो दवाइयों वाली सब्जियां हैं या ऐसे फूड हैं वो नहीं खाइए, तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ होती है आपकी सोच। आपकी सोच को आपने बिल्कुल ठिकाने पर रखना है। आपने इसे ना इधर होने देना है, ना इधर होने देना है। जब कोई चीज़ बैलेंस में होती है दोस्तों, तो हमेशा सही रहती है। जहाँ बैलेंस बिगड़ता है वहीं पर परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बिगड़ने नहीं देना, आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को बिगड़ने नहीं देना, और आपने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बरकरार रखना है एनी हाउ। सो मेरे कहने का मतलब यही था कि आपने जब इन तीनों हेल्थ को एक बैलेंस में लाके चलाना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी क्योर ना हो सके। सिर्फ आपको तीनों हेल्थ को बैलेंस में रखना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी से खुशियां दूर नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ रूही और मैं एक हीलर हूँ। अगर आप मुझसे अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ नोट डाउन कि ये फ्री सर्विस नहीं है, मैं बहुत थोड़े से चार्ज लेती हूँ, और विदाउट चार्जेस मैं ये सर्विस नहीं देती हूँ। तो कृपा करके वही लोग मुझे फ़ोन करें जो चार्ज दे पाएँ। और आप लोगों का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।